इन्फेंट्स, बच्चे, वुमेन, मेन, एल्डरली या किसी भी इंडिविजुअल के लिए दूध या उससे बने हुए प्रोडक्ट्स को एक कंप्लीट और होलसम फूड कंसीडर किया जाता है। लेकिन फिर ये A1 और A2 मिल्क क्या है, आपके और आपके फैमिली के लिए कौन सा है हेल्दी, इस वीडियो में आपको इस बारे में विस्तार से समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हजारों सालों से दूध दुनिया भर के अलग अलग कल्चर्स का एक एसेंशियल पार्ट रहा है। दुनिया भर में अलग अलग एनिमल्स के मिल्क को कंज्यूम किया जाता है, जिसमें जनरली काउ, बफेलो, गोट, शीप और कैमल मिल्क सबसे कॉमन है। और इन सब में से जो काउ मिल्क है वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा कंज्यूम किए जाने वाला मिल्क है। पूरी दुनिया में जितना टोटल मिल्क प्रोड्यूस होता है उसमें से 83% जो मिल्क है वो काउ मिल्क है। और काउ मिल्क प्रोडक्शन में जो देश नंबर वन रैंक करता है वो है हमारा देश भारत। वर्ल्ड की 12.5% जो कैटल है वो हमारी कंट्री में पाई जाती है। एंशियंट टाइम से ही गाय हमारे कल्चर में एक बहुत ही सैक्रेड एनिमल माना जाता है। हमारे एंशियंट हिंदू कल्चर में जिस गाय को हम माँ कहते हैं या गौ माता कहते हैं वो है कामधेनु या सुरभी। और अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम की बात करें तो मैक्सिमम मेडिसिन की जो प्रोडक्शन है उसमें गाय का कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो जरूर यूज होता है, चाहे वो दूध हो या गोमूत्र हो, घी हो या और कोई प्रोडक्ट हो। हाउएवर अभी पिछले कुछ सालों में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिल्क को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि अगर ये पर्टिकुलर मिल्क या इससे बने हुए प्रोडक्ट्स आप लेते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और वो है A2 मिल्क। अब क्वेश्चन ये आता है कि A1 और A2 मिल्क में एक्चुअली डिफरेंस क्या है और क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप एक वीगन हैं या आप 100% प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी चॉइस है, वो डाइट भी 100% हेल्दी डाइट है। अगर आप अपनी न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर पा रहे हैं, और मैंने आपको हर बार बताया है कि आपके एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाइट फॉलो करने से दुनिया चेंज नहीं होती है, ना आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली या न्यूट्रिशनली जब हम बात करते हैं तो हर एक टाइप ऑफ डाइट के अपने अपने फायदे हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान है जिसे हमें पूरा करना होता है, चाहे हम कोई भी डाइट ले। तो अगर आप एक वीगन है तो सिर्फ नॉलेज के लिए आप ये पर्टिकुलर वीडियो सुन सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि A1 और A2 मिल्क होता क्या है, क्यों ये नाम आया। हम सब जानते हैं कि दूध के अंदर दो टाइप ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एक होता है वे प्रोटीन और दूसरा होता है केसिन प्रोटीन। और दूध के अंदर ऑलमोस्ट 80% प्रोटीन जो होता है वो केसिन प्रोटीन होता है। दूध का जो व्हाइट कलर होता है वो भी उस केसिन की वजह से ही है। अगर हम केसिन प्रोटीन को कंसिडर करते हैं तो फिर वो कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज में फर्दर सब डिवाइड होता है, जिसमें अल्फा S1, अल्फा S2, कापा केसिन और बीटा केसिन आते हैं। इन सारे केसिन में से जो बीटा केसिन होता है वो सेकेंड मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है। गाय या भैंस के दूध में जो केसिन होता है उसका अप्रोक्सीमेटली 45% जो पार्ट है वो बीटा केसिन है। अब जब हम बीटा केसिन की बात करते हैं तो गाय के दूध के अंदर बीटा केसिन के 13 डिफरेंट जेनेटिक वेरियंट्स पाए जाते हैं। इनमें से जो दो सबसे कॉमन जेनेटिक वेरिएंट्स है वो है A1 और A2। इन्हीं जेनेटिक वेरिएंट्स के बेसिस पर हम A1 और A2 मिल्क को नाम देते हैं। बीटा केसिन का जो A2 वेरिएंट है वो सबसे ओल्डेस्ट वेरिएंट माना जाता है, और ऐसा बोला जाता है कि बाकी सारे जो वेरिएंट्स हैं वो इसी A2 से म्यूटेट होकर निकले हैं। ऐसा माना जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 3000 साल पहले जितना भी दूध था वो सारा A2 ही होता था, लेकिन यूरोप में उस समय कुछ म्यूटेशंस हुए इस पर्टिकुलर टाइप में यानी A2 के अंदर, जिससे बाकी वेरिएंट्स पैदा हुए। अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी गाय जो है वो A1 मिल्क देती है और कौन सी A2 मिल्क देती है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया में जो मैक्सिमम गाय या भैंस है जो हमारे देसी ब्रीड्स है वो सारी की सारी A2 वेरिएंट की है, वो A2 मिल्क देती है। एक पर्टिकुलर स्टडी में 15 डिफरेंट काउ ब्रीड्स और 8 बफेलो ब्रीड्स को स्टडी किया गया। जब हम काउ ब्रीड्स की बात करते हैं तो उनमें कंगयम, निमारी, रेड कंधारी, मलनाड, गिद्दा, खेरीगढ़, मालवी, अमृत महल, कंकरेज, गीर, साहिवाल,
हरियाणा, थरपाकर, राठी, मेवती और रेड सिंधी जैसी ब्रीड्स है जो टेस्ट की गई। और इसी तरह जब हम बफेलो की बात करते हैं तो मुर्रा, मेहसाना, मराठवाड़ा, साउथ कनारा, मणिपुर, असमीज, स्वाम, नीली रवि और पंडरपुरी जैसी ब्रीड्स जो थी उनको टेस्ट किया गया। उन स्टडीज में देखा गया कि जब हम बात करते हैं हमारी लोकल या देसी ब्रीड्स की, तो इन सारी की सारी ब्रीड्स में जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो A2 मिल्क है। और ये भी बताया गया कि इंडिया में 99% से ऊपर जितनी भी ब्रीड्स है वो सारी की सारी A2 मिल्क प्रोड्यूस करती है। हाउएवर, वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेशली यूरोप वगैरह में जो मैक्सिमम ब्रीड्स है जैसे कि जर्सी, होल्स्टीन वगैरह, ये सारी की सारी जो ब्रीड्स है ये A1 मिल्क देती है। और मैं अगर एक कॉमन टाइप की बात करूं तो जो हमारी बॉस इंडिकस गाय होती है, जिसको हम एक्चुअली में गौ माता कहते हैं, जिसको हम सैक्रेट मानते हैं, वो A2 मिल्क देती है। और जो सबसे कॉमन तरीका है इस तरह की काउस को पहचानने का वो है कि जो A2 गाय होती है उसके पीठ के ऊपर एक हम्प होता है हमेशा, और जो गाय A1 दूध देती है उसकी जो पीठ होती है वो फ्लैट होती है। और आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि जो हम्प होता है इसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की वेन होती है जिसे हम कहते हैं सूर्य केतु नाड़ी, जो A1 काउस में नहीं होती है। और ये जो पर्टिकुलर वेन है या नाड़ी है, ये जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है, सन, मून या जो बाकी प्लेनेटरी बॉडीज है, उनसे एनर्जी को एब्सॉर्ब करती है, जिसकी वजह से जो इनका दूध होता है उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा आ जाती है। ऑल्सो जो देसी गाय होती है हमारी, जो बॉस इंडिकस वेरियंट होता है जिसके पीछे हम्प है, A2 गाय है, उसके अगर आप गले में देखेंगे तो एक तरह की स्किन जो है वो हैंग कर रही होती है, ढीली सी स्किन होती है। ऐसा माना जाता है कि ये पर्टिकुलर स्किन जो है ये काऊ को और उससे रिलेटेड जो मिल्क है उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, उसमें इम्यूनिटी पावर्स को इंक्रीज करती है। अगर हम A1 A2 मिल्क को सामने रखेंगे और उसे पियेंगे भी तो उनके टेस्ट में या स्मेल में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता है। थोड़ा सा डिफरेंस जो आता है वो आता है कलर में। जो A2 मिल्क होता है वो हल्का सा येलो गोल्डनिश कलर का मिल्क होता है, वो प्योर व्हाइट नहीं होता। जिस तरह से A1 मिल्क होता है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। A2 मिल्क की प्रोडक्शन से हमारी बॉडी का जो नेचुरल ग्लूटाथायन प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होता है। ग्लूटाथायन हमारी बॉडी में एक बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इंडिया में इतनी तरह के A2 गाय हैं तो इनमें से सबसे पावरफुल या बेस्ट कौन सी है। देखिए, इसका आंसर काफी सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि जब हम गाय की बात करते हैं तो उनमें से बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि गाय की फीड कैसी है, वो ओपन एरियाज में कितनी चल रही है, कितनी सनलाइट में एक्सपोज हो रही है, कितनी हेल्दी है, इसी के साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जो गाय है वो बहुत ज्यादा पोटेंट है या पावरफुल है। लेकिन जब हम एक जनरल कंपैरिजन करते हैं तो स्टडी में दिखाया गया है कि पहाड़ियों पर पाई जाने वाली बद्री गाय होती है वो सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी A2 मिल्क प्रोड्यूस करती है। इस बद्री गाय के अंदर A2 बीटा केसिन पाया जाता है, वो ऑलमोस्ट 90% होता है। और ऐसा नहीं है कि A2 गाय जो है वो सिर्फ इंडिया में पाई जाती है, अफ्रीका में, फ्रांस में, यूरोप के और भी कंट्रीज में कुछ वैरायटीज है जो A2 मिल्क देती है। बट एक क्वेश्चन आता है कि ये तो बेनिफिट्स हुए A2 के, लेकिन A1 में ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि दूध तो सेम ही है, गाय भी सेम है, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है कि A1 जो है वो अच्छा नहीं माना जाता। उसका रीजन होता है कि जो A1 मिल्क है उसमें जो केसिन प्रोटीन होता है उसमें कुछ वेरिएंट्स होते हैं जो काफी टॉक्सिक होते हैं, जैसे बीटैक, मॉर्फिन 7, B7 और स्पेशली BCM7, जो मल्टीपल हेल्थ इश्यूज जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज, बच्चों में ऑटिज्म, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हार्ट प्रॉब्लम्स, स्किजोफ्रेनिया, पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ऐसी और भी प्रॉब्लम से लिंक्ड है। A1 मिल्क में पाया जाने वाला जो BCM7 केसिन प्रोटीन है, जिसका फुल फॉर्म है बीटा कैसो मॉर्फिन 7, इसको डेविल इन द मिल्क का भी नाम दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो BCM7 है वो ह्यूमन बॉडी में जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है इसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं म्यू रिसेप्टर्स, इनको वो एक्टिवेट करता है। ये ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं और जो बच्चों में मिल्क से एलर्जी और इनटॉलरेंस का इश्यू होता है वो इन्हीं रिसेप्टर्स के एक्टिवेशन से होता है। स्टडी में देखा गया है कि अगर हम A2 मिल्क कंज्यूम करने वाले बच्चों से कंपेयर करें तो जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं
जो A1 मिल्क कंज्यूम करते हैं उनके यूरिन में BCA7 का अमाउंट 10 गुना पाया जाता है। ऑल्सो बच्चों में A1 मिल्क और ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि जो उनकी गट होती है वो काफी परमिएबल होती है, वो पूरी तरह से फॉर्म नहीं होती है। तो ये जो BCM7 है ये उनके ब्लड में भी लीच करता है और उनके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके उनके ब्रेन में भी एंटर करता है, जिससे ऑटिज्म के डेवलपमेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चे के ऑटिज्म डेवलपमेंट के चांसेस है या उसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है तो ये एक फैक्टर है जिससे वो चांसेस और बढ़ जाते हैं। ये जो A1 बीटा केसिन होता है ये सिर्फ मिल्क में नहीं, उससे बने हुए जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी पाया जाता है। ऑल्सो जो A2 वेरिएंट होता है वो काफी सारे मैमल्स के दूध में मिलता है, जिनमें ह्यूमंस, गोट, शीप, काऊ और बफेलो है, लेकिन जो A1 होता है वो सिर्फ कैटल में मिलता है। कुछ स्टडीज में दिखाया गया है कि कार्डियोवास्कुलर रिस्क के चांसेस A1 टाइप ऑफ मिल्क से बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं बिकॉज ऑफ BCM7। ऑफ कोर्स इसमें स्टडीज जो है वो मिक्स्ड है, कई स्टडीज में ये चीज प्रूव नहीं हुई है, लेकिन फिर भी A1 मिल्क को अवॉइड करने के और A2 मिल्क लेने के और भी बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस है जैसे हमने अभी डिस्कस किए। ऑल्सो लेटली वर्ल्ड ओवर जो लैक्टोस इनटॉलरेंस बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, लोगों को दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो सारी प्रॉब्लम भी A1 मिल्क की वजह से हो रही है, क्योंकि जो A1 बीटा केसिन होता है वो A2 के कंपैरिजन में डाइजेशन में बहुत डिफिकल्ट होता है। कई केसेस में देखा गया है कि जिन लोगों को माइल्ड लैक्टोस इंटॉलरेंस थी उन लोगों ने जब प्योर ऑर्गेनिक A2 मिल्क पे शिफ्ट किया तो काफी हद तक उनकी जो इंटॉलरेंस थी वो ठीक होने लगी। BCM7 का लिंक एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन से भी देखा गया है, तो जो लोग A1 मिल्क ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनमें म्यूकस प्रोडक्शन भी ज्यादा देखी गई है। काफी कंट्रीज में जब इन्फेंट्स को पहले साल मदर मिल्क से काउ मिल्क पे शिफ्ट किया जाता है तो उनकी सडन डेथ हो जाती है और इसको हम कहते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। और ऐसा माना गया है कि जो BCM7 है ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से पर्टिकुलर फिनोमेना अकर होता है। स्टडीज में इन बेबीज की जब बायोप्सी की गई तो उनके सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड के अंदर BCM7 बहुत हाई अमाउंट में पाया गया और जब नॉर्मल इन्फेंट्स को चेक किया गया तो ये प्रॉब्लम उनमें नहीं देखी गई। इनफैक्ट एथलीट्स के लिए A2 मिल्क जो है वो स्टडीज में बहुत अच्छा देखा गया है, क्योंकि काफी सारे एथलीट्स जो मिल्क लेना पसंद करते हैं अगर वो A1 टाइप ऑफ मिल्क ले रहे हैं उनको नहीं पता है तो उनको जो डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज होते हैं और उसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स होती है वो एलिमिनेट हो जाती है अगर वो A2 मिल्क या A2 मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट करते हैं। तो आई होप आपको A1 और A2 मिल्क के बीच अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जितनी भी स्टडीज हुई है इन दोनों के दोनों वेरिएंट्स के ऊपर उनमें से कुछ स्टडीज ये भी बताती है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, दोनों मिल्क को लेने से किसी भी हेल्थ इश्यू पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टडीज जो है वो A1 के एंटी जा रही है। ऑफकोर्स अगर आप इंडिया में है या और कहीं पर है जहां पर हाई क्वालिटी फ्री रेंज ऑर्गेनिक A2 मिल्क अवेलेबल है तो कोई रीजन नहीं है कि A2 मिल्क या उससे बने हुए और प्रोडक्ट्स को कंज्यूम ना करें और A1 मिल्क उससे बने हुए प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें। ऑफ कोर्स और भी बहुत सारी चीजें आती हैं कि जो भी गाय है वो हेल्दी है, वो हार्मोन्स और एंटीबायोटिक फ्री है, वो फ्री रेंज काउज है, वो चर रही है, तो और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन जो A1 और A2 का एस्पेक्ट है उसमें आपकी जो अपनी और अपनी फैमिली के लिए चॉइस हमेशा होनी चाहिए वो है A2 मिल्क और उससे बने हुए प्रोडक्ट्स। इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी सवाल हो या फीडबैक हो तो कमेंट में कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको थोड़ा भी फायदा हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ स्क्रीन पर दिख रहे ये दो वीडियोस को भी देखें, जिसमें पहले वीडियो में हमने कॉफी के 6 अमेजिंग बेनिफिट्स और दूसरे वीडियो में लिफ्टिंग स्ट्रैप्स इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं इन बातों को विस्तार से बताया है, तो इन वीडियोस को जरूर देखें।